Welcome students, today we are going to start our third chapter, coordination and control, and this is our first lecture from this chapter. This chapter includes about the scheme of coordination and control in plants and animals as well, but we are going to concentrate on botany side. So we will study how plants control and their organs coordinate with them to help them in movement and in growth patterns. प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट होने की वजह क्या है? मूवमेंट होने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए या पहला जो फैक्टर अराइज होता है वो है स्टिमुलस. अगर स्टिमुलस है तो इरिटेबिलिटी फील करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट होगी. और अगर हम प्लांट की बात करें तो उसके रिस्पॉन्स में अलॉन्ग विद द मूवमेंट ग्रोथ भी होगी. इसी को थोड़ा इलेबरेट करते हैं. स्टिमुलस, पहली बात तो है कि स्टिमुलस क्या है. स्टिमुलस इज एनी डिटेक्टेबल चेंज, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, आइदर इनसाइड एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स बॉडी और अदर फ्रॉम और आइदर द चेंज इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट. कहीं पे भी कोई चेंज हो और वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी या सेल्स डिटेक्ट करें तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? स्टिमुलस. सो स्टिमुलस इज एनी डिटेक्टेबल चेंज. इस डिटेक्टेबल चेंज को डिटेक्ट किया जाएगा और फिर उसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म इरिटेबिलिटी फील करेगा, जिसे हम आम जबान में कहते हैं कि हम इरिटेटेड हो रहे हैं, ठीक है, बाय एनी बिहेवियर ऑफ एनी वन, बाय एनी अदर सर्कमस्टांसेस इन आवर सराउंडिंग एनवायरमेंट. सो इरिटेबिलिटी क्या है? इट इज़ एन एक्साइटेटरी चेंज टू ओवरकम दैट स्टिमुलस और टू ओवरकम दैट चेंज. तो जो ये एक्साइटेटरी एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, वो किस वजह से होती है? स्टिमुलस की वजह से. अब प्लांट के अंदर जब ये स्टिमुलस आता है, कोई भी हो सकता है वो स्टिमुलस, ठीक है, ये बातें हम पिछले चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं. सो प्लांट जो है इस इरिटेबिलिटी की वजह से और स्टिमुलस को ओवरकम करने के लिए या चेंज को ओवरकम करने के लिए क्या करेगा? मूवमेंट करेगा और उसके साथ साथ ग्रोथ करेगा. तो प्लांट में ग्रोथ और मूवमेंट की वजूहत क्या हैं? स्टिमुलस. स्टिमुलस होगा तो ग्रोथ होगी और फिर मूवमेंट भी होगी. अगर मूवमेंट हो रही है तो किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है? लाइट, ग्रेविटी एंड टच, दीज आर बेसिक स्टिमुलाई जिनकी वजह से मूवमेंट होती है और प्लांट ऑर्गन के अंदर ग्रोथ का जो पैटर्न है डिफाइन होता है कि अगर लाइट की वजह से हो रही है मूवमेंट तो उसके साथ ग्रोथ भी इन्वॉल्व हो रही है कि प्लांट जो है वो मूव कर रहा है अपनी बॉडी को या शाख को लाइट की तरफ. तो अलॉन्ग विद द मूवमेंट ग्रोथ हो रही है और ये ऐसी मूवमेंट्स क्या कहलाती हैं? ये ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाते हैं या ट्रोपोस या ट्रॉपिज्म कहते हैं. हम इस फिनोमिना को ट्रॉपिज्म कहते हैं. और अगर ग्रेविटी की वजह से मूवमेंट और ग्रोथ हो रही है, यानी रूट्स बढ़ रही हैं ग्रेविटी की तरफ और मूव कर रही हैं ग्रेविटी की तरफ, ग्रो कर रही हैं डीप डाउन, तो ये ग्रेविटेशनल मूवमेंट है. टच की वजह से अगर हो रही है तो हम इसे कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. ये तमाम काम होने के लिए प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स को और डिफरेंट सेल्स को और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स को आपस में एक ताल्लुक कायम करना पड़ता है. इस ताल्लुक को हम अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, हम क्या कहेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे? कोऑर्डिनेशन वो है, वो टर्मिनोलॉजी है जो ये बता रही है कि किसी ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए जब उसके बॉडी ऑर्गन्स या सेलुलर ऑर्गेनल्स इंटरैक्ट करें कोई प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, तो ये टर्म कहलाती है कोऑर्डिनेशन. तो प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या उस बॉडी के अंदर मौजूद सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कोई फंक्शन करने के लिए, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनल्स के बीच में या ऑर्गन्स के बीच में, तभी मूवमेंट और ग्रोथ होगी. ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आप सिर्फ प्लांट में नहीं ऑब्जर्व करेंगे, एनिमल्स में भी ऑब्जर्व करेंगे. तो ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली
एक वास्ट टर्मिनोलॉजी है और वास्ट यूँ कहने की कॉन्सेप्ट है कि तमाम के तमाम दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं उनके सेल्स और उनके बॉडी ऑर्गन्स. दैट इज़ वाई दे मूव अराउंड और दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल. प्लांट के अंदर अब हम बात करें कि कंट्रोल कर रही है प्लांट की बॉडी को, प्लांट की बॉडी डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह से कंट्रोल कर रही है. तो जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर डिफरेंट फिनोमेनाज इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि एक बहुत ही बेसिक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम्स. रिदम का तो मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो रही हो, हुई फिर नहीं हुई फिर हुई है, इतने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के बाद हो रही हो, तो एक रिदम एक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं कि म्यूज़िक के अंदर रिदम होता है कि एक सुर फिर दूसरा सुर फिर पहला वाला सुर फिर दूसरा सुर, इस तरीके से एक रिदम डिफाइन होता है. तो रिदम एक पैटर्न होता है किस चीज़ का, किसी भी फिनोमेना का. ये फिनोमेना का क्या क्या कौन कौन से फिनोमेनाज हो सकते हैं इसके अंदर, अभी हम देखते हैं आगे. पहले हम इस वर्ड को थोड़ा डिफाइन कर लें कि सिरसा मीन्स अबाउट या अप्रोक्सीमेटली और डाइज मतलब डे. तो जब हम इन दो टर्म्स को मिलाते हैं तो ये बन जाता है सर्कैडियन. सर्कैडियन रिदम कौन सा रिदम जो कि एक डे में हो रहा हो, यानी 24 घंटे के अराउंड मोर और लेस. अब मोर और लेस अगर लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 24 आवर प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 आवर्स, यानी प्लस भी हो सकता है ये 24 घंटे ज़्यादा और 24 घंटे से थोड़ा कम भी हो सकता है, आइदर आवर्स आइदर मिनट्स ये पैटर्न. तो अगर 24 घंटे में कोई पर्टिकुलर प्लांट मूवमेंट हो रही है कंटिन्यूसली रोज़ाना 24 घंटे बाद हो रही है, 24 घंटे के अंदर हो रही है, तो ये क्या है, एक सर्कैडियन रिदम है. लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और इन्वॉल्व हो जाती है कि दो बातें आती हैं इसके अंदर, कि जो प्रोसेस 24 आवर ऑसिलेशंस में हो रहा है, 24 आवर ऑसिलेशंस है जिसकी, ऑसिलेशन मतलब एक कंटिन्यूस मूवमेंट, ऐसे 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 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी ये बात. तो ऐसे पैटर्न्स को हम कहते हैं डायर्नल रिदम्स, यानी 24 घंटे में जो पैटर्न हो रहा है वो डायर्नल रिदम है. अगर वो पैटर्न एंडोजिनस फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर पैदा होने वाले फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, या कि डिफाइंड है उसका पैटर्न, उसका कोई बाहर से कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम कहते हैं कि ये सर्कैडियन रिदम है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा हो. और ये इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हों समटाइम्स बाय डिफरेंट फैक्टर्स, आउटर फैक्टर्स की वजह से, तो हम इन्हें कहते हैं कि ज़िडबर्ग्स फैक्टर्स हैं. और ये लाइट भी हो सकते हैं ये फैक्टर्स, और ये टेम्परेचर भी हो सकते हैं. तो ये अभी आप कहेंगे कि ये तो एक्सटर्नल है, लेकिन प्लांट की बॉडी अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, लोकल एनवायरनमेंट के लिहाज से इन पैटर्न्स को स्टडी कर लेती है कि भाई कितना टेम्परेचर होगा, कितनी लाइट होगी एक पर्टिकुलर डे के अंदर, उसके लिहाज से या किस जगह किस मौसम में और किस प्लेस के ऊपर कितनी लाइट दिन में है और कितना टेम्परेचर है, वो अपना एक पैटर्न फिक्स कर लेती है बॉडी, प्लांट की बॉडी अपने पूरा फिनोमेना फिक्स हो जाएगा और फिर ये एक सर्कैडियन रिदम बन जाएगा, कंटिन्यूस रिदम बन जाएगा प्लांट की बॉडी. उसके बाद अगर आप उस प्लांट बॉडी को डार्क में भी रख दें, लाइट से कि लाइट की वजह से कोई पैटर्न हो रहा है तो उसको लाइट डाइट से हटा दें और कंटिन्यूसली डार्क में भी रख दें, तो फिर भी जैसे कि सर्टेन बींग्स प्लांट्स के अंदर ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है कि उनके जो लीव्स हैं वो रात में जो हैं वो मिड ड्रिप के साथ बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका कंपाउंड लीफ होता है तो जो लीफलेट्स होते हैं वो मिड ड्रिप के साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं और हम कहते हैं कि लीव्स क्लोज्ड हो गए हैं और दिन में ओपन हो जाते हैं. तो सम टाइम्स उन्हें फॉर द वेरी लॉन्गर पीरियड डार्क में भी रखा गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और फिर देखा गया कि स्टिल लाइट नहीं है, है नहीं है, बिल्कुल डार्क में है, तब भी उन्होंने अपना ये पैटर्न जारी रखा. तो ये सर्कैडियन रिदम कहलाएगा जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट ने अपना जो भी पैटर्न है वो पहले ही डिसाइड कर लिया है, बना लिया है अपनी बॉडी को उसके मुताबिक ढाल लिया है. अगर हम एनिमल्स की इसमें बात करें तो हमारी बॉडीज़ ह्यूमंस की अगर हम बात ले लें, एनिमल्स में हम जाएं, बड़ा कॉमन सी बात है कि हमारी बॉडीज़ भी जो हैं वो एक रिदमिक पैटर्न को फॉलो कर रही होती है, स्लीप पैटर्न में स्पेशली. स्लीप पैटर्न्स हमारे डिसाइडेड हैं, हमें पता है कि 24 घंटे के अंदर हमें इतनी नींद चाहिए, 5 घंटे और अगर हम परफेक्टली बात करें तो 7.5 आवर की एक नींद होती है, और इसके अंदर आते हैं 3 रिदम्स 2.5 घंटे के. ये आपके ह्यूमन का स्लीप पैटर्न होता है कि 2.5 घंटे के 3 रिदम्स होंगे और वो एक 24 घंटे में पूरा होना चाहिए.
स्टिल अगर हम सूरज में हैं या नहीं हैं, अगर हम अंधेरे में भी रह रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी ये पैटर्न फॉलो करती है। जरूरी तो नहीं है ना कि हम ये पैटर्न लाइट के साथ ही फॉलो करें। अब तो सूरज की रोशनी के साथ लोग उठते भी नहीं है कि सूरज की रोशनी से उठना है और अंधेरा हो रहा है तो सो रहे हैं। स्टिल आवर बॉडी फॉलोज दैट पैटर्न, ठीक है। तो ये एंडोजीनस पैटर्न्स होते हैं या एंडोजीनस रिदम्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं। अगर ये बात की जाए, इसमें क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है कि क्या ये पैटर्न्स अगर एंडोजीनस है तो क्या कभी डिस्टर्ब ही नहीं होते। दे कैन बी डिस्टर्ब एंड दे कैन बी ऑल्टर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इन पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाए, यानी जो स्टिमुलाई हैं इनके, बेसिक स्टिमुलाई जो हैं इनके, वो इनके चेंज कर दिए जाए, बहुत अरसे तक कोई और स्टिमुलस दिया जाए। इंसानों में ही ले लें, अगर बहुत अरसे तक किसी को स्लीपलेसनेस का सामना हो, नींद ना आने का, बेख्वाबी का, इंसोम्निया का, किसी भी फैक्टर की वजह से, तो फिर उसका पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उसे नींद आएगी ही नहीं। उसके लिए फिर उसे कुछ इंड्यूस करना पड़ेगा, स्टिमुलस उसे देना पड़ेगा, आइदर केमिकल स्टिमुलस और एनीथिंग एल्स। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी ये पैटर्न्स ऑल्टर हो सकते हैं अगर हम फिनोमेना चेंज करें, अगर हम इसका स्टिमुलस चेंज करें। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। इसकी एग्जाम्पल्स आप कहाँ से लेते हैं? इसकी एग्जाम्पल आप देखें कि बीन प्लांट्स के अंदर आप स्पेशली देखते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, के जो है एग्जाम्पल आपको लिखते हैं जैसे कि टैमरिंड यानी इमली, या फिर माइमोजा प्यूडिका यानी कि छुई मुई, इनके जो लीव्स होते हैं वो, अगेन रिपीट कर रही हूँ इस बात को, कि रात में जो है वो अपनी मिडरिप के साथ अटैच हो जाते हैं, लीफलेट्स क्लोज हो जाते हैं, और दिन में ये ओपन हुए हुए होते हैं। तो ये पैटर्न इनका इन प्लांट्स में आपको बड़ा इजीली मिलेगा। अगर किसी ने इमली का दरख्त भी नहीं देखा तो बच्चों आपके घर में इमली ज़रूर इस्तेमाल होती होगी, किसी छोटे से गमले के अंदर या पेप्सी के ग्लास के अंदर ही लेके, किसी भी डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर लेकर आप उसे मिट्टी में दबा दें, कुछ दिनों बाद छोटा सा पौधा निकल आएगा, एक सैपलिंग निकल आएगा इमली का, और आप उसके अंदर ये फिनोमेना आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारी तो बचपन में ये एक कॉमन एक्टिविटी हुआ करती थी। सो जितने भी नेचर लवर स्टूडेंट्स हैं, सो डू दिस एंड ट्राई दिस फिनोमेना, ऑब्जर्व दिस फिनोमेना। एंड माइमोजा प्यूडिका प्लांट अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सो यू कैन अवेल इट फ्रॉम एनी नर्सरी इन योर सराउंडिंग्स इन योर एरिया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि प्लांट किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है अपनी बॉडी को, हम बात करेंगे फोटोपीरियोडिज्म की। फोटोपीरियोडिज्म क्या है? फोटोपीरियोडिज्म एक एनी चेंज या इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फ्लावरिंग। कितनी डे लाइट है, इस डे लाइट को डिटरमाइन करते हुए जब प्लांट फ्लावरिंग करेगा, अपना पैटर्न डिसाइड करेगा, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये फोटोपीरियोडिज्म है। फोटोपीरियोडिज्म की क्या अहमियत है? काफ़ी अहमियत है फोटोपीरियोडिज्म की, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर। हम क्रॉप्स को डिवाइड ही उनके फोटोपीरियोडिज्म की बुनियाद पर करते हैं। बचपन में ये टर्म बड़ी आपने सुनी होगी कि रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, यानी सर्दी और गर्मी की फसलें। इन्हें हम ये अलग अलग क्यों हैं, सर्दी और गर्मी की फसलें, या कोई प्लांट गर्मी में फ्लावरिंग क्यों करता है, या कोई फ्रूट गर्मी में क्यों आ रहा है, कोई सर्दियों में क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी फ्लावरिंग किसी की सर्दी में हो रही है और किसी की गर्मी में हो रही है। किस वजह से हो रही है? क्योंकि प्लांट के अंदर एक डिटेक्टेबल सिस्टम है जो कि फोटो पीरियड को डिटरमाइन कर रहा है कि दिन में कितनी लाइट है, रात में कितनी लाइट है। तो कुछ प्लांट जो हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, उन्हें कम लाइट चाहिए। कितनी कम? लेस देन एट आवर्स। दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स। समवेयर इट कुड बी लाइक 6 आवर्स पीरियड। और अगर किसी को मोर देन 8 आवर्स चाहिए तो फिर वो कहलाएंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। मोर देन 8 आवर्स का मतलब 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स। अगर इतनी लाइट चाहिए पौधे को फ्लावरिंग के लिए तो फिर वो लॉन्ग डे प्लांट कहलाएगा। सम प्लांट्स आर डे न्यूट्रल प्लांट्स, दे कैन फ्लावर इन एनी सीजन इन एनी लाइट ड्यूरेशन अवेलेबल। यानी सर्दी में भी फ्लावरिंग कर सकते हैं, गर्मी में भी। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो सर्दी गर्मी दोनों में आपको मिलती हैं, जैसे कि केला आपको मिल जाता है सर्दी गर्मी दोनों में, ठीक है। टोमेटो आपको पूरा साल मिलता है। सो इनके आप इनको किसी भी सीज़न में
अवेल कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स भी मौजूद हैं। अब ये जो लाइट पैटर्न डिटेक्ट हो रहा है, फोटो पीरियड जो वहाँ से आ रहा है, इसके लिए एक और टर्म है, या यूँ कह लें कि ये पूरी चीज़ों के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक क्लॉक है, जिसे हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये डिटेक्ट करती है कि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रहा है। अगर तो चेंज आ रहा हो तो वो रिस्पॉन्ड करती है और फिर अपना पैटर्न चेंज करती है, अदरवाइज अगर चीज़ें स्मूथली चल रही हों तो फिर नॉर्मल तरीके से फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। तो बायोलॉजिकल क्लॉक प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से फोटो पीरियड होगा, हम कब फ्लावरिंग करेंगे, कब नहीं करेंगे। और ये फोटो पीरियड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि किस सीज़न के अंदर कौन से पॉलिनेटर्स पैदा हो रहे हैं। पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स हैं, कोई भी बीज हैं जो उस इलाके में घूम रही हैं, पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, तो जो पॉलिनेटर्स उस प्लांट के लिए ज़रूरी हैं वो पॉलिनेटर्स किस सीज़न में अवेलेबल होते हैं। प्लांट की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो फोटो पीरियड इसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि जब पॉलिनेटर्स अवेलेबल होंगे, जब पॉलिनेशन हो सकेगी तभी तो फ्रूटिंग होगी, ठीक है, तो उसी लिहाज से फिर प्लांट फ्लावरिंग करता है। अगर पॉलिनेटर्स नहीं हैं और फिर फ्लावरिंग हो रही है तो फिर पॉलिनेशन ही नहीं होगी, फिर फ्लावरिंग का क्या फ़ायदा है। तो बहुत सारे प्लांट्स इस लिहाज से अपने आप को, इस लिहाज से अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, अपना फोटो पीरियड मेनटेन करते हैं। सो देर आर मैनी मोर थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस रिगार्ड, बट एज पर योर लेवल एंड एज पर द इंटरमीडिएट कोर्स आई बिलीव दिस वुड बी इनफ, एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड दिस। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आर नेक्स्ट लेक्चर, टू सी यू इन आर नेक्स्ट लेक्चर।